हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम माघ पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। माघ का महीना चल रहा है और इस महीने में स्नान दान का खास महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी गई है। पूर्णिमा तिथि से ही नए माह की शुरुआत होती है और माघ पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में शाही स्नान होता है। इस दिन चंद्रदेव और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और उपाय करके सुख सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के माघ पूर्णिमा की सही तिथि, माघ पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा है और इस महीने में पूजा पाठ और दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसके अलावा इस महीने की पूर्णिमा तिथि भी बेहद खास मानी जाती है। माघ माह की अंतिम तिथि को ही माघी पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ की दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवतागण धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 फरवरी की रात के 9:29 से शुरू हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन 5 फरवरी को रात के 11:58 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या फिर घर पर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और पूजा स्थल में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को धूप दीप, चरणामृत, पान, तिल और मोली, रोली, कुमकुम, सुपारी, नैवेद्य और पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल अर्पित करें। इस दिन स्नान के बाद ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और इस तरह से आप भगवान की पूजा में ये सभी सामग्री अर्पित करके भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, तो चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करना ना भूलें। चंद्रमा की पूजा करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान के बाद घर में लगे तुलसी के पौधे की पूजा करके पौधे में मीठा जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं।
पूर्णिमा की रात को पूजा में माता लक्ष्मी की सुपारी अर्पित करें, माता लक्ष्मी को सुपारी अर्पित करें, क्योंकि सुपारी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का स्तोत्र पाठ लाभकारी माना जाता है। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले खास उपाय। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर सूर्य मंत्र का, चंद्रदेव का मंत्र जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी और चंद्रमा को खीर का भोग लगाना शुभ होता है। खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो इस दिन खीर बनाएं और खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माघ नक्षत्र में, माघ महीने के नक्षत्र के नाम से ही मतलब माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि माघ माह में सभी देवता धरती पर आते हैं और प्रयाग में स्नान और जप करते हैं, जिस कारण से इस महीने का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोग अगर प्रयाग में या गंगा नदी में स्नान करते हैं तो सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ महीने में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के पावन दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्रमा की पूजा करें। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा मौजूद होता है। इस दिन रात्रि को धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।